अस्सलामुअलैकुम। मार्टिन लूथर दो हैं, एक है जूनियर एक है सीनियर। जूनियर का ताल्लुक अमेरिका से, जिसने अमेरिका में कानों के लिए काम किया और कानों को ये रिकॉग्नाइज करवाया। बड़ा नाम है, मार्टिन लूथर जूनियर कहते हैं उसको। मैं आज मार्टिन लूथर जूनियर की बात नहीं कर रहा, मार्टिन लूथर सीनियर की बात कर रहा हूँ। जूनियर पैदा हुआ था 1929 में और सीनियर पैदा हुआ है 1483 में। तकरीबन 450 साल पहले पैदा हुआ था मार्टिन लूथर सीनियर। ये इसने क्रिश्चियनिटी में दो फ़िरक़े होते थे एक ज़माने में, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन दो थे। इसने प्रोटेस्टेंट की बुनियाद डाली और इख्तलाफ किया पोप से, इनलाइटमेंट लेके आया, रिफॉर्मेशन लेके आया ये। और बेसिकली ये गरीब फार्मर का बेटा था, उसका बाप उसको पढ़ाना लिखाना के वकील बनाना चाहता था, लेकिन इसने वकालत में एडमिशन के बाद वकालत की नहीं। लेकिन यह कि वो इस जब उसने देखा कि हालात मज़हब में मसले थे, तो उसने क्या किया कि रिफॉर्मेशन चाहिए मज़हब के अंदर, और जो पोप इंडलजेंस जो ला रहा था उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। 95 थीसिस लिखे इसने उसको कोर्ट, और जाके चर्च के बाहर ठोक दिया, हथौड़ी से कील से लगा दिया, लोगों में बेदारी लाया। काम किया उसने बाहर, अच्छा भला किया, तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं क्रिश्चियनिटी पे कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन ये कि प्रोटेस्टेंट के जो फ़िक़ाए वो मार्टिन लूथर लेके आया, ठीक है। ये थी मार्टिन लूथर के बारे में थोड़ा बहुत। अब इसके अलावा मार्टिन लूथर की कमेटी से बताया, बहुत गरीब आदमी था। और अब हाँ, स्टूडेंट ने पूछा मुझसे कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कहाँ थे, वो ईस्टर्न साइड पे थे, और रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन जो थे वो वेस्टर्न साइड पे थे, याद रखिएगा। और यही दो फ़िक़ा हुआ करते थे। प्रोटेस्टेंट जो है वो मार्टिन लूथर की ईजाद है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।